बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपको हमने तकलीफ़ दी इस वक्त यहाँ आने की, इसके लिए कुछ वजूहत हैं। मैं पंचायत हल्का सुल्तानपुरा से हूँ। नवंबर 2022 में हमने पहले सबका सरपंच को जो है नो मोशन के ज़रिए निकाल दिया था। उसके बाद हमने कोशिश की थी कि इस गांव की बहबूदी के लिए कुछ काम होगा, काम शुरू रहे। उसके मजीद आज कुछ बहुत सी दिक्कतें हमें आई, लेकिन हम चलते रहे। लेकिन आज कुछ वजूहत ऐसे हुए कि मजबूरन हमें मीडिया के सामने आना पड़ा। उसमें हम आपको कुछ चंद वजूहत दिखाएंगे जो आप आगे हुकाम तक पहुंचाएंगे। उसमें कुछ ये मसला है कि एक पॉइंट तो हमारे पास है कि 27 तारीख को हमें सोकेज पिट जो लोगों ने, गाँव वालों ने बनाए थे, जिसमें हमारे गाँव में 74 सोकेज पिट थे, जिन्हें उस वक्त भी SBM के तहत ज़बरदस्त जल्दी कई VLW ने हमने की लोग बनाए। उसके बाद पेमेंट जो है 27/9/2024 को ये पेमेंट जो है हमारे एक वेंडर के अकाउंट में आई, और वेंडर ने वो पेमेंट जो है ट्रांसफ़र की हमारे GRS के अकाउंट से। लेकिन आज 27/9 से लेके आज तक GRS ने वो पेमेंट कहाँ रखी, ये हमें कोई उम्मीद नहीं। इसके पहले भी हमने जो पहले वीडियो साहब थे उनके नोट्स में हमने लाया था, लेकिन शायद हमारी ही बदकिस्मती कि उनकी ट्रांसफ़र होगी तो कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। उसके मजीद गांव की सफाई के लिए, बहबूदी के लिए 20,000 रुपया गवर्नमेंट ने, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस वालों ने डाला था पंचायत के अकाउंट में। हमें आजकल पंचायत को करते रहे, वो 20,000 भी कहाँ गया, किसने खाया, हमारे पास कोई उसका भी कोई न सबूत न हमें कुछ पहुँचा कि जिससे हम गाँव की सफाई करें। उसके मजीद हमने प्लान में रखा था, ये प्लान कापी भी हम आपको साथ देंगे, हमने कुछ मार्च से 1-1.5 साल पहले प्लान में रखा था, लैंड डेवलपमेंट एक्ट वेरियस सपार्ट वार्ड नंबर 6, अपग्रेडेशन ऑफ रोड फ्रॉम वार्ड नंबर 1 ठोकरमाला, इस पर जो है 8 तारीख को वीडियो पहले जो थे जलील साहब, उनने इस पर अथॉरिटी बनाई, क्योंकि हमारा डिसबर्सिंग सरपंच जो है वो वीडियो साहब होते हैं, तो उनने अथॉरिटी बनाई। उसके बाद बाज़ाब्ता इसका एस्टिमेट बना, और 10 तारीख से 10-10 को इस पर काम जो है लेबर ने शुरू किया दोनों पर, और 24 तारीख को इसकी डिमांड जो है बराबर होती है। 25 तारीख को इसकी वेजी शीट निकली, ये पूरी शीटें हम आपको देंगे, पूरी वेजी शीटें जो है ये निकली, और उसके बाद वीडियो साहब तो ट्रांसफ़र हो गए, नए वीडियो साहब आए हमें, उनसे मेरी मुलाकात बारामूला में हुई। उस दिन कमिश्नर सेक्रेटरी आई थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं कल देखेंगे, 3 काम हमें यहाँ चल रहे थे। उनने कहा कि हमारी डिवाइस एक्टिवेट नहीं होगी, ये एक्टिवेट हो जाएगी तो मैं ये आपकी पेमेंट जो है लेबर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। कल भी मैं वागुरा उतरा, मीटिंग जा रही थी ब्लॉक पर, तो उधर उन्होंने कहा कि आज आपकी जो ये वेजेस है लेबर्स की ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन आज जब मैं वागुरा से, क्योंकि हमारी कम्युनिटी हॉल में आज मीटिंग थी, वो तो वहाँ से मैं विजिलेंस वीक था, वहाँ से मैं वापस चला, तो 4 बजे BDO साहब ने 2 बिलें, एक अपग्रेडेशन ऑफ ठोकर रोड जिसकी वेजेस भी हमारे पास है, ये बनता है 66,600 रुपया, और डेवलपमेंट ऑफ लैंड वार्ड नंबर 6 ये बनता है 62,000 रुपया। ये दोनों पेमेंट जो लोगों के अकाउंट में आनी थी, ये दोनों को विदाउट पंचायत की कोई नोटिस से, कोई इंफॉर्मेशन से इसको ज़ीरो कर दिया, जिससे इस वक्त लोग ज़बरदस्त हमें परेशान कर रहे हैं कि एक भी अगर हमने काम किया है ये 10-12 दिन तो हमारा ये कैसे, ये ज़ीरो कैसे हो जाएगा। जो सॉकेज पिट लोगों ने बनाए थे उसके लिए जो रकम आई थी, वो रकम अभी तक कहाँ है, और किस तारीख को वो रकम जो है वो अकाउंट में, पंचायत के अकाउंट में डाली गई थी? जी नहीं, वो वेंडर के अकाउंट में आती है, 27/9 को वो वेंडर के अकाउंट में आई है, और वेंडर ने वो हमारे GRS जो हमारा है उसके अकाउंट में डाली, लेकिन GRS ने वो कहाँ रखी ये हमारे पास कोई, हम डेली बोलते हैं आजकल करता है, आज तक वो उसके अकाउंट में नहीं आई। अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा है कि कल हम सब जमा होकर ब्लॉक के सामने धरना देंगे, अगर फिर भी कुछ ना हुआ तो उसके बाद वही शुड अटेंड टू द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट के बगैर तो हमारे पास कोई चारा है नहीं, क्योंकि लोगों ने जो काम किया है, हमारा एक बिल 62,000 किया है, एक 66,000 किया है, नए BDO साहब ने बगैर हमारे किसी इंफॉर्मेशन से, ना कोई लेटर पंचायत को निकाली, ना पंचायत से पूछा, खुद ब खुद ही हमारा 1.5 लाख ज़ीरो कर दिया। तो इसका मतलब है पंचायत का मतलब क्या है, इसलिए हमने बाकी पंचायतें भी कॉल की हैं, हम सब मिल के कल ब्लॉक दफ्तर के बाहर इस्तीफ़ा भी देंगे, तो और हम धरना भी देंगे। BDO साहब ने आते ही ज्वाइन करते ही विदाउट एनी प्राइम नोटिस ऑफ द पंचायत बिल हमारी ज़ीरो कर दी। BDO साहब के पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो काम बगैर इसके नोटिस से जो है काम ज़ीरो करे, और 2 काम ज़ीरो किए और 1 काम को जो है उसकी ये FTO कर दिया।